अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ बैंगन से एक न्यू रेसिपी, बैंगन भत्ता की रेसिपी, जो मैं बिल्कुल अलग बनाती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो पता नहीं, पर मेरे तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये भरता। तो वीडियो को स्किप ना करके फुल वॉच करिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस कुछ ही चीज़ों से जो है ये बैंगन का भरता बन जाता है। तो देख सकते हैं एक बड़े साइज़ का मैंने बैंगन ले लिया है, करीबन 300 ग्राम का है ये बैंगन। उसके साथ 5-6 लहसुन की कली, थोड़ा सा सरसों का तेल, और जो है हरी मिर्ची 4 ले लिया है मैंने। सरसों का तेल के जगह आप लोग रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है बैंगन में इस तरह से कट्स लगा लेना है आप लोगों को, और कट्स के अंदर जो है मिर्ची मैं डालूंगी। आप लोग इस वाले स्टेप को जो है स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं जो है इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसके अंदर मिर्ची और लहसुन की कली बैंगन के अंदर डाल के जो है भरता के लिए बैंगन को जलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है जितने भी लहसुन है वो सब मैं डाल दूँगी, और मिर्ची भी जितना सारा है वो सबको भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं मेरा जो है मिर्ची और लहसुन की कली जो है डाल के मैंने पूरा तैयार कर लिया है। और आप जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा सरसों के तेल ऊपर से लगाऊंगी। सरसों के तेल लगाने से इसका जो है छिलका बिल्कुल इजीली निकल जाता है, और जलने के टाइम को जो है इसका अंदर नहीं जलता, सिर्फ इसका जो है छिलका उतना ही जलता है। तो चलिए अभी इसको जला लेते हैं। बैंगन जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। तो गैस के ऊपर मैं एक जाली ले लिया है, और जाली पे जो है मैं बैंगन को डाल रही हूँ। पहले जो है हाई फ्लेम पे 5 मिनट हम लोगों को इधर उधर करके इसको जो है जला लेना है। उसके बाद जो है मीडियम फ्लेम करके हमको इसको अच्छी तरह से, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको जो है जलाना है। तो पहले जो है गैस हमारा बिल्कुल हाई फ्लेम पर है। तो अभी एक तरफ से जो है ये थोड़ा सा हो चुका है, अब मैं इसको दूसरे तरफ से इसको पलट देती हूँ। और मिर्ची और लहसुन जो है ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, अब बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर आता है। तो ये देख सकते हैं करीबन 10 से 15 मिनट लगा है हमको इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए, और ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये देख सकते हैं आप लोग, और नीचे से जो है पानी भी निकल रहा है। तब जो है बैंगन को हम लोगों को निकाल लेना है, इससे ज़्यादा जो है बैंगन को हमको नहीं भूनना है। तो चलिए इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी जो है इसका छिलका जो है निकाल लेती हूँ। तो मैं किस तरह से निकालती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा जो है मैं पानी ले लेती हूँ, और फिर पहले जो है छिलका को निकाल के मैं साइड में रख देती हूँ, और उसके बाद जो है छिलका निकालती हूँ थोड़ा थोड़ा, और हाथ जो है धो लेती हूँ। इससे जो है ना काला जो रहता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और बैंगन भी काला नहीं होता है, जो उसका छिलका जल जाता है ना वही। तो चलिए इसका पूरा छिलका निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरा जो है मैंने छिलका निकाल लिया है। अब जो है इसका डंठल को निकाल लेना है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब ये अच्छी तरह से मैंने इसका छिलका निकाली हूँ, और लहसुन भी जो है ना पूरा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये ऊपर का डंठल को मैं काट के फेंक देती हूँ, और फिर जो हमारा बैंगन है उसको मैं मैशर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग हाथ से भी इसको कर सकते हैं, ये जो गर्म है, तो इसीलिए जो है मैं मैशर की मदद से कर रही हूँ। और मिर्ची और लहसुन देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आता है इससे। तो इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, और जो मिर्ची का छिलका जो निकलता है वो मैं फेंक देती हूँ निकाल के। तो बैंगन जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो चलिए अब इसको भरता जो है तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। और ये जो है ना सरसों का तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सूखा मिर्च यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको जो है मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मैं डाल देती हूँ इस तेल के अंदर, और उसी के साथ जो है हमको इसके अंदर डाल देना है लहसुन। मैंने बारीक कट कर लिया है 4 लहसुन की कली को, इसका फ्लेवर जो है भरते में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको जस्ट 30 सेकंड तक फ्राई कर लेना है इसका फ्लेवर निकलने तक। तो इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छी तरह से निकल चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ का ऑनियन को मैं एकदम बारीक चॉप कर लिया है।
तो ओनियन जो है अच्छी तरह से हमको फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए, तब तक जो है ओनियन को हम लोगों को फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं ओनियन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ओनियन जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी वक्त जो है इसमें हमको डाल देना है मिर्ची। मैं यहाँ पर हरी और लाल मिर्ची को जो है बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है, वो मैं बड़ा एक चम्मच डाल रही हूँ। इसके जगह पे आप लोग जो है लाल मिर्ची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसी के साथ में दो टोमेटो को जो है बारीक चॉप्ड कर लिया है, उसी को भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और दोनों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और टोमेटो और मिर्ची अच्छी तरह से टोमेटो सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। तब तक मैं थोड़ा सा ड्राई मसाला इसमें ऐड करती हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ और जीरा पाउडर में आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से हमको जो है मिक्स कर लेना है और चलाते हुए 10 सेकेंड तक इसको फ्राई करना है। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा यहाँ पर 10 सेकंड हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसको जो है अभी मैं ढक देती हूँ करीबन 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हमारा हो चुका है और टोमेटो भी जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं टोमेटो और ये मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है। तो अभी जो है इसके अंदर हमको बैंगन का जो भरता हमने बना के रखा था उसको पूरा इसके अंदर हमको ऐड कर देना है। तो इसको अच्छी तरह से हमको मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। भरता हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसमें एक चीज़ जो है डालना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे जो है फ्लेवर और भी ज़्यादा निकल के आता है। तो ये है मैगी का मसाला मैजिक। तो इसको ज़रूर आप लोग डालें, एक पैकेट में डाल रही हूँ एक बैंगन के लिए। और अभी जो है मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप लोग जो है अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल करें। तो नमक डाल के बहुत ही अच्छी तरह से हमको इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से डाल देना है हमको हरा धनिया। हरा धनिया डाल के बहुत ही अच्छी तरह से हमको मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसको जो है ढक के इसी तरह से हमको छोड़ देना है करीबन 2 मिनट तक। तो चलिए अभी मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट हमारा हो चुका है और गैस के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। बैंगन का जो भरता है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़ ऑल फ्रेंड।